दीपक, देखिए आज से राजधानी में जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए हर किसी की चाहत होती है कि अपना एक आशियाना हो और इसको लेकर के लोग जमीन या फ्लैट की खरीदारी करते हैं, लेकिन जिस तरह से 10% की जमीन या फ्लैट की पर जो बिक्री में जो बढ़ोतरी की गई है, तो इसका सीधा असर गरीब तबके के लोगों पे पड़ेगा। या इसलिए भी क्योंकि जो दर में जो 10% की बढ़ोतरी हुई है, तो वह बढ़ा हुआ दर आज से लागू हो गया है। तो आज से जो भी जमीन या फ्लैट की खरीदारी करेंगे तो 10% बढ़ा हुआ रेट पर उन्हें खरीदारी करना पड़ेगा। और जिस तरह से जमीन का रेट या फ्लैट का रेट में 10% की बढ़ोतरी हुई है, और इससे बचने के लिए लोग कल तक जो है वो पुराने दर पर जमीन या फ्लैट की खरीदारी कर रहे थे और कर पा रहे थे, लेकिन ये एक भू निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा हर एक 2 साल में जमीन या फ्लैट की जो रेट है उसका पुनरीक्षण करके जो है रेट में बढ़ोतरी की जाती है, और ये हर एक 2 साल में होता है। पिछले बार 2021 में रेट का पुनरीक्षण करके बढ़ोतरी की गई थी, जिसमें 8 से 10% तक की जो है बढ़ोतरी हुई थी। इस बार 10% की बढ़ोतरी हुई है, तो राजधानी रांची के 53वें वार्ड में जो जमीन का रेट जो था उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। और जिसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जमीन का हाई रेट अगर बात करें तो वार्ड नंबर 15 के में है, जो अगर जहाँ पे अगर रेट की बात करें तो जो है लगभग 8,70,000 रुपया जो है आवासीय रेट है, जबकि मेन रोड में व्यावसायिक रेट अगर आप देखेंगे तो लगभग 17 लाख रुपया के आसपास है। तो ये रेट में जो बढ़ोतरी हुई है, हर एक इलाकों का अलग अलग रेट है, वार्ड वाइज और पॉपुलेशन के हिसाब से जो है रेट का पुनरीक्षण किया जाता है और उसी के आधार पर ये रेट में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो रेट में बढ़ोतरी हुई है 10%, इसमें ग्रामीण क्षेत्र को अछूता रखा गया, मतलब ग्रामीण इलाकों में रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये इस बार इस चीज़ों को ध्यान रखा है सरकार ने कि ग्रामीण इलाकों में जो रेट में बढ़ोतरी इस बार नहीं की है। और जिस तरह से रेट बढ़ा है, इसका अगर असर की बात करें तो ग्रामीण तबके पे, ग्रामीण बोलते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, उस पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो शहरी इलाकों में जो बड़े व्यवसायी है या बड़े लोग हैं, उस पर इसका कोई खास असर नहीं देखा जा पाएगा। या इसलिए भी क्योंकि जिस एरिया में ज़मीन का जो सरकारी रेट है उसका कई गुना अधिक रेट पर ज़मीन की खरीद बिक्री हो रही है। हर एक इलाकों की बात करें, जैसे वार्ड नंबर 15 में ही जो सरकार के द्वारा जो रेट निर्धारित है 8,70,000, तो 8,70,000 से वहाँ पे कई गुना अधिक दाम पे ज़मीन जो है उसकी खरीद बिक्री हो रही है। लेकिन जो अमूमन जो खरीदारी करते हैं वो मार्केट वैल्यू जो जहाँ पे जो रेट निर्धारित होता है उसके आधार पे खरीदारी करते हैं, लेकिन जब उन्हें डीड मोटेशन कराना होता है, रजिस्ट्री कराना होता है, तो वो सरकारी दर पे करते हैं। तो वैसे में राज्य सरकार का राजस्व को भी कहीं ना कहीं वो जो लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार को राजस्व के रूप में सबसे ज़्यादा अगर फायदा होता है या फिर राजस्व की प्राप्ति होती है, तो वो उसमें एक है जमीन या फ्लैट की जो खरीद बिक्री होती है उससे भी होती है। तो 2 साल में हर एक बार जो है वो जमीन का रेट में इंक्रीज किया जाता है, बढ़ोतरी होती है, और उसी के तहत जो है इस बार भी बढ़ोतरी की गई है, जिसमें 10% की बढ़ोतरी की गई है। तो आज से कह सकते हैं कि जमीन या फ्लैट की जो खरीदारी करने वाले लोगों को थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि सरकारी दर जो निर्धारित है उससे कई गुना अधिक दाम पे जमीन की खरीद बिक्री हर एक इलाकों में हो रही है, चाहे शहरी इलाकों की बात करें चाहे ग्रामीण इलाकों की, तो वहाँ पे जमीन की खरीद बिक्री जो है सरकारी दर से कई गुना अधिक, यानी 3 गुना 4 गुना अधिक दर पे जो है खरीद बिक्री हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि जो स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फी जो लगता है उसका जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस बढ़ेगा वो लोगों को पे करना पड़ेगा। आप देखने वाली बात होगी कि यह जो रेट में बढ़ोतरी हुई है इसका जो असर पड़ेगा गरीब तबके को पड़ेगा, लेकिन क्या यह जो रेट में बढ़ोतरी हुई है ये एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए भी यह एक मुद्दा हो सकता है, और इसको लेकर के हो सकता है कि सदन में भी आज जो है आवाज़ उठता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में जिस तरह से महिलाओं के लिए 1 रुपया में जो है कि रजिस्ट्री मोटेशन होता था उसे मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार ने बंद कर दिया है,
तो इसको लेकर हो सकता है कि ऐसे चीजें हो सकती है, लेकिन ये कोई नया चीज नहीं है। हर एक दो साल में रेट का पुनरीक्षण होता है और उसके आधार पे रेट की बढ़ोतरी होती है ताकि बाजार मूल्य के आसपास जो है वो सरकारी दर को लाया जा सके। जमीन का जो एक्चुअल रेट होता है और जो बाजार मूल्य है उसको एक समांतर लाने की दिशा में ये कोशिश होती है, और इसी को लेकर के हर एक दो साल में जो है रेट बढ़ोतरी की जाती है, और उसी के निमित्त इस बार भी जो है 10% की जो है बढ़ोतरी की गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों को इससे अछूता रखा गया है। ग्रामीण इलाकों में रेट की बढ़ोतरी नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ शहरी इलाकों में हुई है। तो लोगों को थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जैसा कि हमने रीड राइटरों से भी बात किया था, जिन लोगों के द्वारा दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, तो उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसका कारण ये है कि ये शहरी इलाकों के लिए ही है, ग्रामीण जो इलाके हैं उनके लिए ये व्यवस्था नहीं लागू है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, अब रांची के शहरी क्षेत्रों में जमीन और फ्लैट खरीदना आज से महंगा हो गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।